दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्लाइट टिकट आप कैसे चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं, या कंफर्म है या नहीं, या कोई आपको मजाक तो नहीं कर रहा फेक फ्लाइट टिकट दिखा करके। इसी के साथ साथ फ्लाइट टिकट चाहे कहीं से भी बुक किया हुआ हो, चाहे पेटीएम से या MMT से या किसी भी वेबसाइट से, आज के इस वीडियो में प्रॉपर चेक करने का तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप 100% कंफर्म हो सकते हैं कि ये फ्लाइट टिकट जेन्युइन है। और हाँ, ये सब बिल्कुल ही ऑनलाइन चेक करने का तरीका बताने वाला हूं, जो कि आप मोबाइल से खुद ही एक मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और लाइव एग्जाम्पल के साथ एक टिकट चेक करके दिखाता हूं आपको। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास एक टिकट आया व्हाट्सएप के ऊपर, उन्होंने बोला कि ये टिकट चेक करके बताओ सही है या नहीं है। तो चलिए इस टिकट को हम पहले डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके हम इसे ओपन कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि टिकट के ऊपर यानी PDF के ऊपर कोई ऐसा लोगो या हॉलमार्क वगैरह नहीं रहता है जिससे कि पहचान हो सके कि ये 100% जेन्युइन टिकट है। इसके लिए सिर्फ एक ही पहचान है, जो कि अभी मैं करके दिखाने वाला हूं। वैसे ये टिकट मेक माय ट्रिप से बुक किया गया है। इसी के साथ साथ ये जो टिकट है ये इंडिगो का है, यानी कि इंडिगो एयरलाइन, और ये टिकट चंडीगढ़ से पटना का यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे नाम भी मेंशन है विकास कुमार महतो, और फ्लाइट का टाइमिंग वगैरह दिया गया है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि ये सब चीज फेक भी तो हो सकता है, एडिट भी तो हो सकता है। इसी को कंफर्म करने के लिए, चेक करने के लिए, तो टिकट चेक करने के लिए यहाँ पे हमें सिर्फ दो डिटेल चाहिए। पहला PNR नंबर चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें मिल गया है। आप किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से टिकट बुक करेंगे तो आपको PNR नंबर जरूर मिलेगा, वो सिर्फ PNR चाहिए, और यहाँ पे आपका जो पैसेंजर का लास्ट नेम है वो चाहिए, बस इतना से ही टिकट चेक हो जाएगा। तो ये दोनों डिटेल हमारे पास अवेलेबल है, चलिए अब इसे चेक करते हैं। वैसे हमें पहले ये देखना होगा कि ये टिकट कौन सा एयरलाइंस का है, तो ये इंडिगो का टिकट है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं इंडिगो का ऑफिशियल वेबसाइट इंडिगो और एंटर कर देते हैं। अब इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम चले जाते हैं। अब आपको जाना है मैनेज वाले सेक्शन में, उसके बाद हमें क्लिक करना है एडिट बुकिंग के ऊपर। चलिए, तो यहाँ टिकट चेक करने का डिटेल आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया था PNR नंबर चाहिए, वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, PNR नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी या लास्ट नेम, यानी पैसेंजर का लास्ट नेम, तो हम वहां से कॉपी करके यहाँ पे PNR नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे लास्ट नेम डाल के और गेट इट एंट्री या जो भी हो उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। आप देख लीजिए इंडिगो एयरलाइंस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमारा डाटा निकल के आ चुका है। अब यहाँ पे देख लीजिए टिकट का जो स्टेटस है वो कंफर्म है, यानी कि टिकट सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और यहाँ पे जो फ्लाइट डिटेल है चंडीगढ़ से पटना का, ठीक है, और 7:30 में चंडीगढ़ से चलेगा, 9:20 में पटना पहुंचा देगा, और फ्लाइट नंबर ये है 6E6394, 1 घंटा 50 मिनट का हमारा फ्लाइट समय होने वाला है, नॉन स्टॉप फ्लाइट है, यानी कि डायरेक्टली चंडीगढ़ से पटना जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको देखना है भाई चलो टिकट तो सही है लेकिन ये किसके नाम पे है, ये भी हमें जानना है, तो इसके लिए नीचे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे देख लीजिए पैसेंजर के सामने हमारा डिटेल आ चुका है, विकास कुमार महतो एडल्ट है यहाँ पे। और अगर आपने फ्लाइट बुकिंग करते समय सीट सेलेक्ट कर लिया था तो यहाँ पे सीट नंबर आ जाएगा 6F, ये हमारा विंडो सीट निकल के आ चुका है। इसे और नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूं तो वही सेम डिटेल दिखाया जा रहा है, चंडीगढ़ से पटना का फ्लाइट है। तो इस तरीके से आप PNR और लास्ट नेम के माध्यम से किसी भी फ्लाइट टिकट को चेक कर सकते हैं। हालांकि ये अभी मैंने इंडिगो एयरलाइंस का चेक करके बताया, आप चाहे तो सेम इसी तरीके से विस्तारा हो गया या गो फर्स्ट हो गया या किसी भी एयरलाइंस का टिकट को चेक कर सकते हैं। हालांकि चलिए फटाफट से 10 सेकंड के अंदर मैं आपको विस्तारा एयरलाइंस का भी चेक करने का तरीका बता देता हूं। विस्तारा हम गूगल पे सर्च करते हैं, उसके बाद विस्तारा के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम चल जाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे इनका मीनू जो है वो काफी चेंज है, ऊपर में आपको कुछ भी नहीं दिख रहे हैं लेकिन आपको सारा चीज आपको यहाँ दिखेगा। मैनेज माई बुकिंग का ऑप्शन यहाँ है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, और सेम उसी तरीके से देखिए यहाँ पे PNR नंबर डालेंगे, यहाँ पे पैसेंजर का लास्ट नेम डालेंगे और नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो उसी तरीके से डिटेल निकल के आ जाएगा जिस तरीके से अभी हमने इंडिगो का आपको दिखाया। तो आप भी कुछ इस तरीके से फ्लाइट टिकट को चेक कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।